आज अपन ले रहे हैं लेसन 19, जिसका क्या है, समारोह प्रबंधन। अब आपको समारोह नाम सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई होगी, ठीक है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के समारोह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आप लोग स्कूल में हैं तो विद्यालय समारोह, विद्यालय उत्सव जो होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। उसका प्रबंधन कैसे करना है उसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो लेसन पूरा होने के बाद आप क्या समझ पाएंगे, इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी यह समझ सकेंगे कि किसी समारोह की योजना बनाना, उसका प्रबंधन क्या है। समारोह प्रबंधन इवेंट मैनेजमेंट के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझा जा सकेगा, जिससे समारोह की योजना बनाना, उसे क्रियान्विति करना, उसका मूल्यांकन करना शामिल है। एक समारोह प्रबंध के रूप में जीविका के लिए कैसे तैयारी करनी आवश्यकता होती है। आपका जो NCERT का जो ये चला है कोर्स, ठीक है बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके ट्वेल्थ में आई है जीविका के लिए तैयारी। हर लेसन में आपको जीविका के लिए तैयारी की बात की गई है इसमें, ठीक है, ताकि आप ट्वेल्थ के बाद कुछ धनोपार्जन कर सकें, आप अपना करियर किसी विशेष क्षेत्र में बना सकें, ठीक है। अब इसकी प्रस्तावना क्या कह रही है, हम सभी को खुशियाँ मनाना पसंद होता है, हम खुशियाँ मनाने का कोई भी कारण तलाशते हैं, भले ही यह विश्व कप जीतना हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, जन्मदिन, उपाधि ग्रहण, पार्टी या परिवार में विवाह समारोह आदि हो। समारोह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है, अक्सर खुशी का प्रतीक होता है। यद्यपि आधुनिक जीवन शैलियां, व्यस्त दिनचर्या, छोटे परिवार और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में ऐसे समारोह की योजना बनाना, उसे आयोजित करना, क्रियान्वयन करने के कम जन शक्ति और कम समय मिल पाता है। अतः अनेक लोग ऐसे समारोह की योजना और क्रियान्वयन के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाएं लेना पसंद करते हैं, जिसे उसकी पूरी जानकारी होती है, जो छोटी छोटी बातें को पूरा ध्यान रख पाता है। आजकल विभिन्न संगठन संस्थाएं भी विभिन्न समारोह के आयोजन के लिए ऐसे विशेषज्ञों की सेवाओं किराए पर लेते हैं। इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जो विशेषज्ञ इस कार्य को करते हैं उन्हें समारोह योजना इवेंट प्लानर या समारोह प्रबंधक इवेंट मैनेजर कहते हैं। ये परामर्श सेवा प्रदान करने और योजना बनाने चरण से लेकर समारोह के संपन्न हो जाने तक सभी कार्यों को करते हैं। ऐसे विशेषज्ञों के जुड़ जाने का समारोह आयोजन सेवार्थी के लिए आसान व आनंदप्रद हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिलिप कॉटलर 2004 द्वारा समारोह ऐसे अवसरों और रूप में परिकल्पित किया जो लक्ष्य श्रोताओं तक किसी संदेश विशेष को पहुंचाने। समारोह ऐसे आयोजन होते हैं जो कि परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, साथियों, मित्रों के साथ आनंद के पलों को बांटने बिताने का अवसर प्रदान करता है। एक पारिवारिक समारोह को पुराने मित्रों, रिश्तेदारों से मिलने, अनजान लोगों के साथ नए संबंध विकसित करने के अवसर के रूप में देखता है। इसके अतिरिक्त समारोह व्यवसायी जीवन के भी विभिन्न भाग होते हैं, भले ही वे कोई कॉरपोरेट संस्था, गैर लाभकारी संस्था, सरकारी क्षेत्र हो सकता है। निगमित संस्था अपने उत्पादों, स्वीकार्य तरीकों से अपने मूलभूत ग्राहकों के लिए प्रस्तुत किए के साथ ही अपनी छवि को और भी बेहतर बनाने के समारोह का आयोजन करते हैं। ऐसे समारोहों को जन संपर्क कार्यनीति में परिणाम के रूप में देखता है, जिसमें विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, बहुस्तरीय विपणन का योगदान होता है। सरकारी क्षेत्र अपनी छवि को बढ़ाने के लिए समारोह को मंच के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चूँकि वर्ष भर विभिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन करने की आवश्यकता रहती है। अतः इस स्थिति के चलते समारोह प्रबंधन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, जो समाज के सभी वर्गों से जुड़ा हुआ होता है। इसकी मूलभूत संकल्पना क्या है, समारोह का श्रेणीकरण। समारोह का उत्सव, शिक्षण, विपणन, पुनर्मिलन के उद्देश्य से लोगों को एकत्रित करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनके आकार, प्रकार, संदर्भ के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। संदर्भ के आधार पर समारोह को निम्नलिखित शीर्षकों में लिखा जा सकता है। परिवार समारोह के समारोह होते हैं जिसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र साथ मिलकर किसी विशेष अवसर को मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह, विवाह की वर्षगांठ, गृह प्रवेश, धार्मिक उत्सव आदि। सामूहिक समारोह में समारोह होते हैं जिन्हें किसी समुदाय विशेष के लोग एकत्रित होकर मनाते हैं। क्रिसमस, होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस आदि।
व्यवसायी व्यवसायी समारोह के समारोह होते हैं जिनमें किसी एक व्यवसाय विशेष के लोग एकत्रित होकर किसी विशेष अवसर को मनाते हैं, जैसे इंजीनियरों की संस्था विश्व इंजीनियर दिवस मनाती है। भारतीय व्यापार उद्योग प्रासंगिक मुद्दों के गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। आर्किटेक्ट एसोसिएशन ग्रीन बिल्डिंग परिषद के लिए बैठक आयोजित करती है। आवासीय कल्याण संस्थान हरित तरीके को अपनाने वाली आवासीय संस्थाओं को सम्मिलित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करती है। सार्वजनिक समारोह ऐसे विशेष अवसर होते हैं जहाँ जनसभाएँ आयोजित की जाती है, जैसे स्वयंसेवक चयन करने के लिए राजनीतिक दल का चुनाव, पूर्व बैठक, प्रदर्शन मार्च, जैसे राष्ट्रमंडल खेलों के मशाल का देश के विभिन्न भागों में जाना, भ्रष्टाचार के विरोध में रैली, महिलाओं के अत्याचार के विरोध में सामाजिक न्याय के लिए रैलियां, अभियान विशेष अवसर जनसभाएं होती हैं, जैसे चुनाव प्रचार, पोलियो टीकाकरण दिवस, एचआईवी एड्स जागरूकता कार्यक्रम, ऊर्जा बचत की जागरूकता अभियान आदि। मेले और प्रदर्शनियाँ समारोह, इनमें संपर्क जानकारियाँ बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाता है। इसमें से कि एक ऐसी सोच समान हितों वाले लोग बेहतर सहक्रिया विशेष उद्देश्य के लिए साथ जुड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला, पुस्तक मेला, हस्तकरघा प्रदर्शन, हस्तकार फूड बाजार। हम समारोह में शामिल औपचारिकताओं की मात्रा के आधार पर इन्हें दो श्रेणी में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत औपचारिक